Xender app not working problem. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Xender में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स मिलता है, आप फाइल ट्रांसफ़र कर नहीं पा रहे हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली Xender हैज़ स्टॉप आपको शो कर रहा है, या फिर आपका Xender ओपन ही नहीं हो रहा है. ठीक है, आपका जितना भी प्रॉब्लम है Xender में, उसे कैसे फिक्स करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा. बने रहिएगा मेरे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा. तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो रीज़न की वजह से आपका यहाँ पे ये Xender में आपका प्रॉब्लम आ सकता है. सबसे पहले तो दोस्तों आप देखिए, जो आपका माइनर प्रॉब्लम है होता है वो आपका यहाँ पे Xender अपडेट नहीं करने की वजह से जो होता है वो प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो Xender एप्लीकेशन को एक बार प्ले स्टोर में चेक कीजिए कि अपडेट मांग रहा है कि नहीं. यदि मांग रहा है तो आप अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद में आप Xender एप्लीकेशन एक बार चेक करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं. यदि नहीं होता है तो दूसरा केस में आपको सेटिंग्स पे जाना है अपना फ़ोन में, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ढूंढना है एप्लीकेशन मैनेजर. यहाँ पे मेरे मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट के नाम से है, शुरुआत में एप्लीकेशन ही रहेगा, याद रखिएगा. ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ढूंढना है Xender. चलिए हम यहाँ पर Xender ढूँढ लेते हैं. कुछ लोडिंग हो रहा है यहाँ पर, कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ पर हम ढूँढ लेते हैं Xender. चलिए Xender ढूँढ लेते हैं. Xender एक्स जो है अल्फ़ाबेट में लास्ट में आता है, तो आपके लास्ट में ही रहेगा. Xender पर क्लिक कर लीजिएगा. उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है. ठीक है, फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा. उसके बाद में स्टोरेज यूसेज पे चले जाइए, यहाँ पे कैशी जो है क्लियर कर देना है आपको, और डाटा भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है. ठीक है, डाटा क्लियर कर देना है. बैक चले जाइएगा. बैक चले जाने के बाद में आपको यहाँ पर परमिशन पर जाना है. परमिशन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सारा परमिशन आपको इनेबल कर देना है, ऑन कर दीजिएगा परमिशन. बैक चले जाइए. बैक चले जाने के बाद में दोस्तों आपका Xender एप्लीकेशन जो है वो आप खोल के चेक कीजिएगा. आपका Xender एप्लीकेशन अभी जितना भी आपका प्रॉब्लम्स था वो सारा कुछ आपका ख़त्म हुआ रहेगा, और आपका Xender एप्लीकेशन काम करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका Xender का जितना भी प्रॉब्लम्स था, आप जो है यहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रहेगा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.